क्या कोई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए सीधे प्रधानमंत्री से भिड़ सकता है? क्या कोई नेता किसी राज्यपाल से ये कह सकता है कि इस गवर्नर को राइट रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा? क्या कोई नेता है जो खुद की अहमियत बनाए रखने के लिए अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन को साथ ले सकता है और फिर सत्ता पर कब्जा जमा सकता है? आप दिमाग पर जोर लगाएं, उससे पहले ही बता देता हूं कि हाँ, ऐसा नेता है और उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 1990 में पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू यादव ने ये सारे तिकड़म किए थे और फिर जो कुर्सी पकड़ी उस पर कभी खुद तो कभी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 15 साल तक बिठाए रखा। इसलिए आज का बिन मांगा ज्ञान उस सियासी घमासान पर जिसमें जीतकर लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए 1990 में। विधानसभा की कुल 324 सीटों में से जनता दल को मिली 132 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी भी जनता दल के साथ आ गई, उसे मिली थी 23 सीटें। सीपीएम को मिली थी 6 सीटें। कुछ और निर्दलियों के सहारे जनता दल ने चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बने। उस वक्त छपरा से सांसद बने लालू यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू यादव बिहार में विपक्ष के नेता भी रहे थे। केंद्र में वीपी सिंह के लिए लालू ने लामबंदी भी की थी और खुलकर वीपी सिंह के पक्ष में नारे लगाए थे। हालांकि लालू यादव 1989 में हुए लोकसभा के चुनाव में सांसद बन गए थे। 1990 का विधानसभा चुनाव लालू यादव ने नहीं लड़ा था, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उनके सामने सबसे बड़ी बाधा बने वीपी सिंह। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि बिहार का सीएम एक दलित बने और इसके लिए रामसुंदर दास उनकी पहली पसंद थे, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वीपी सिंह ने अजीत सिंह को पटना भेज दिया। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडीज और सुरेंद्र मोहन भी पटना चले आए ताकि विधायकों को रामसुंदर दास के पक्ष में लामबंद किया जा सके। सब कुछ तय था, लेकिन लालू हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फोन किया चंद्रशेखर को। भोजपुरी में बोले, अध्यक्ष जी, कुछ कौरी ना तई राजा अपना आदमी के मुख्यमंत्री बना दी। अब चंद्रशेखर ठहरे वीपी सिंह के धुर विरोधी। वीपी सिंह के खिलाफ जो भी था, चंद्रशेखर उसके साथ थे। चंद्रशेखर ने लालू से कहा, हम कुछ करत बानी। हम कुछ करत बानी मतलब मैं कुछ करता हूं। और फिर चंद्रशेखर ने वो किया कि लालू यादव बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए। चंद्रशेखर ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में रघुनाथ झा को भी उतार दिया। अब बिहार में मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार थे। पहले रामसुंदर दास, जो वीपी सिंह के उम्मीदवार थे। दूसरे रघुनाथ झा, जो चंद्रशेखर के उम्मीदवार थे। और तीसरे तो लालू यादव खुद थे ही। अब नौबत आ गई चुनाव की। विधायकों के वोट बंट गए और मामूली अंतर से लालू यादव चुनाव जीत गए। लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अपने कैंडिडेट की हार से तिलमिलाए अजीत सिंह ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। तब बिहार के राज्यपाल थे यूनुस सलीम। वो लोक दल के पुराने आदमी थे और अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके थे। अजीत सिंह यूनुस सलीम से मिले और कहा कि जब तक केंद्र की मुहर नहीं लग जाती, आप लालू को शपथ नहीं दिलवाएंगे। यूनुस सलीम के लिए अजीत सिंह की बात काटना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि अजीत सिंह केंद्र की ओर से भेजे गए थे। लेकिन लालू के शपथ को रोकना भी मुश्किल था क्योंकि विधायक उन्हें अपना नेता मान चुके थे। ऐसे में यूनुस सलीम दिल्ली के लिए निकल गए। लालू यादव को पता चला तो यूनुस सलीम के पीछे पीछे एयरपोर्ट पहुंचे। बोले कि इस गवर्नर को राइट रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा। ये आदमी इलेक्टेड नेता का वोट कैसे नहीं करवा रहा है। लेकिन जब तक लालू एयरपोर्ट पहुंचते, यूनुस सलीम का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। अब लालू ने चौधरी देवीलाल को फोन लगा दिया। चौधरी देवीलाल तब उप प्रधानमंत्री थे। लालू बोले कि क्या चौधरी साहब, आपके राज में क्या हो रहा है? अजीत सिंह के कहने पर गवर्नर हमारी ओथ नहीं करवा रहे हैं, वो दिल्ली भाग गए हैं। चौधरी देवीलाल यूनुस सलीम पर नाराज हो गए। तुरंत आदेश दिया कि वो पटना जाएं और लालू की ओथ करवाएं। इसके बाद 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इसके बाद तो इतिहास गवाह है कि कैसे लालू यादव ने 15 साल तक बिहार की सत्ता पर एक क्षत्र राज किया और कैसे जनता दल तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी आरजेडी बनाई। वो कहानी कभी फिर सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए अलविदा। शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।